जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। कुछ ऐसी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं जो कि आपके जीवन में बड़े मतलब को दिखाने का काम करती है, इसके अलावा आपके स्वभाव को भी इंगित करती है। चलिए उन्हें जानते हैं। आपके इन संधि रेखाओं के मध्य में, जैसे कि आप देख रहे हैं, सारे उंगलियों और माउंट एरियाज के बीच में जो ये वाला क्षेत्र होता है, यानी जो दो माउंट को अलग अलग करता है, इस क्षेत्र से भी कई सारी रेखाएं हैं जो कि निकल के आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे गुरु के इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, शनि के इस क्षेत्र से कोई एकल रेखा निकली है और ऊपर तक चलती चली गई है। ये छोटी भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इसका झुकाव आप देखेंगे शनि की तरफ, और अगला जो मुख है वो आपका यहाँ पर गुरु की तरफ होता है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे लोग कई दफे खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते और काफी गर्म दिमाग के होते चले जाते हैं, बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रख पाने में ज्यादातर ये असफल हो जाते हैं। ऐसे लोग दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन परिस्थितियां इन्हें कई दफे मजबूर कर देती है जो कुछ गलत फैसले लेने की तरफ ऐसे लोग बढ़ते चले जाते हैं, और कई बार चीजों को बिल्कुल गलत तरीके से लेते हुए अपने जीवन में ही परेशानियों को बुला लेते हैं। इसके अलावा अगर यही रेखा आपके सूर्य के क्षेत्र से निकलते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऐसी स्थिति में भी जातक के लिए अपमान के योग बनते हैं, नौकरी में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के योग आपके लिए बढ़ते चले जाते हैं, अनाप शनाप के खर्चे आपकी जिंदगी में काफी तेजी से स्पष्ट तौर पर बढ़ते हुए चले जाते हैं। साथ ही कुछ आप ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो कि आपके लिए, आपकी मान हानि के लिए निश्चित तौर पर सिद्ध होते हैं और आपकी मान हानि करवा के ही मानते हैं, और आपके लिए एक तरीके से परिस्थितियों को इस प्रकार से बना देते हैं जिसमें कई बार आप दूसरों से नजर नहीं मिला पाते और अपनी नजरों में भी कहीं ना कहीं आप खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन ये अल्पकालिक होता है, थोड़े से समय के लिए हीट ऑफ द मोमेंट ये चीजें हो जाती हैं, बाद में आपको लगता है कि पता नहीं मैं होश में था या नहीं, कैसे मैंने इन चीजों को कर दिया, लेकिन ये चीजें अपरूपी आपके हाथों से हो जाती है। इसके अलावा सूर्य के इस क्षेत्र पर कई बार आप देखेंगे सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति जो कि सिर्फ सूर्य के इस क्षेत्र में हो, शनि के क्षेत्र में चली जाएगी तो फिर ग्रहण योगों को दिखाएगी, लेकिन सूर्य के सिर्फ इस क्षेत्र में हल्की सी तिरछी हो या आड़ी हो तो ऐसी स्थिति में ये आपको हमेशा बेचैन करके रखती है, हमेशा आंदोलित करके रखती है, यानी अंदर ही अंदर कुछ न कुछ हमेशा आपके चलता ही रहता है और हमेशा आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अन्याय हो गया, आपके लिए लोगों ने कुछ मुश्किलें करी कर दी, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, विभिन्न प्रकार की चीजें आपके सामने आती है और छोटी छोटी चीजों को आप बड़ा बड़ा बना के खुद भी परेशान हो रहे होते हैं और दूसरों को भी परेशान कर बैठते हैं। यहीं पर अगर बाहर की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति आपके बुध के क्षेत्र में होती है तो ये आपको समय से, यानी कि एक उम्र के अनुसार जो बुद्धि का विकास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसका अभाव होता चला जाता है। इसके अलावा गर्दन से ऊपर के भागों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं की स्थिति आपके लिए देखने को मिलती है। अब एक खास रेखा के विषय में बात करेंगे जो कि एक से ज्यादा काम को यहाँ पर स्पष्ट करती है, वो है आपके शुक्र और मंगल, यानी प्रथम मंगल के मध्य में सीधी तरीके से चलने वाली ऐसी रेखाओं की स्थिति। जब भी इन रेखाओं की स्थिति गहरी होती चली जाती है, आपके जीवन में व्यय, यानी कि जितना पैसा आएगा नहीं उससे ज्यादा जाने की स्थिति आपके लिए स्पष्ट तौर पर बनी हुई रहती है, गृह कार्यों में, घर से संबंधित कार्यों में, और आपके जो बेटर हाफ हैं, पत्नी या पति, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो विकार होते हैं, इसके अलावा अनाप शनाप के खर्चों की स्थिति, बच्चों के ऊपर जो खर्चों की स्थिति, इन सब में आपके लिए वृद्धि के योग स्पष्ट तौर पर बढ़ते हुए चले जाते हैं। साथ ही कलह की स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपके लिए बढ़ जाती है। तो जब भी ऐसी चीजें हो तो इनसे संबंधित कुछ उपाय भी होते हैं, हर एक हस्तरेखा के अनुसार अलग अलग, उन पर गौर करना चाहिए और समय रहते इन दोषों से मुक्ति पाने की तरफ बढ़ना चाहिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।